तो ये है प्रतिभा, जो कि आज आपको पढ़ाएंगे सेमी मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं सेमी मॉडल का। तो प्रतिभा बताओ सेमी मॉडल क्या होता है? सेमी मॉडल्स जिनका यूज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। क्या कहलाता है? सेमी मॉडल। तो चलिए देखते हैं सेमी मॉडल कितने सारे होते हैं और उनका यूज क्या क्या होता है। चलिए पहला क्या है आपका? यूज्ड टू। समझो, इसका यूज जब हम लोग बोलना चाहेंगे, मतलब हमारे पुराने हैबिट के बारे में, जैसे कि मैं ये करती थी, पहले करते थे, अब नहीं करते हैं उस चीज को, है ना। तो हम लोग उसको बताने के लिए किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे कि आई यूज्ड टू प्ले डॉल्स, जब मैं छोटी थी तो मैं खेलती थी, तो मैं बताऊंगी कि आई यूज्ड टू प्ले डॉल। आई यूज्ड टू प्ले डॉल, वो भी बताऊंगी बचपन वाला। बिल्कुल। When I was, हाँ ये भी जरूरी नहीं वैसे, ठीक बता सकते फिर। ठीक है। When I was baby, baby चार लिख लो, baby छोटा सकता है। हाँ ठीक है। डस्टर है। या। हाँ when I was child जब मैं एक छोटी बच्ची थी। तुम छोटी बच्ची हो क्या? डॉग खेलती हो? कलर लिख दी थी। तो एक है आपका सेमी मॉडल है यूज टू। क्या भाई? यूज टू। आपके पुराने वाले कोई भी हैबिट हो गए, कोई भी आदत हो गए जो पहले था अब नहीं है। इसी एग्जांपल ही ये कि आई यूज टू प्ले डॉल, मैं डॉल खेला करती थी व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी बच्ची थी। बच्ची थी है ना। आई यूज टू वेट बेड, अरे हाँ मैं भी हो गया क्या? ठीक है अगला एग्जांपल। ओके मतलब कहा यूज हो रहा है? यूज टू का कि कोई भी ऐसे हैबिट हो गया जो पहले था बट अब नहीं है। जैसे से बांटी बांटी मारवा खेलते थे, आई यूज टू अब्यूज है ना, कि मैं गाली दिया करता था। ही है तो ही का, तो ही यूज टू अब्यूज, वह गाली दिया करता था लेकिन अब ने सुधर किया है, जब से मेरे पास आए तब से वो सुधर गया है ना। तो ही यूज टू अब्यूज, वह गाली दिया कहता था। कोई भी ऐसा हैबिट हो गया जो पहले था, और कुछ हैबिट ऐसे हो सकता है जो पहले नहीं था। तो जो नहीं था उसको बताने के लिए यूज करेंगे डिड नॉट। ये सब डिड का पार्ट है ना। किसका पार्ट है जी? डिड का। तो आई डिड नॉट यूज टू चले करे हो आर यू है ना, मैं पहले बहस नहीं करती थी। मतलब कुछ ऐसा हैबिट कि पहले करते नहीं थे लेकिन अब करते हो, तो उसको बताने क्या करेंगे? नेगेटिव यूज करेंगे। तो जब नेगेटिव यूज करेंगे तो डिड नॉट आएगा, और जो यूज सेकंड फॉर्म में है वो क्या देगा? फर्स्ट फॉर्म में, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिड वाले फॉर्म में। ठीक है yes. तो ये है आपका यूज का यूज हो गया। आई डिड नॉट यूज टू आर्ग्यू, मैं बहस नहीं किया करता था। ये है आपका नेगेटिव हैबिट जो नहीं किया करते थे उसको बताने के लिए। ठीक है किसे बोला कई बार कई भाष टाइप होता है हाँ? मैं जानता था तो उसे मिल जाता था, जानता था ना। नो आई डिड नॉट है ना। यूज टू गो मीट टू हर, मैं उसे मिलने नहीं जाया करता था। तुम झूठ बोल रहे हो है ना। मतलब एक हैबिट होता है ना कि बोल रहे हैं तुम उसे मिलने जाया करता, मैं जानता हूँ नहीं जाया करता था ना भाई, काहे बोल रहे हो। तो ऐसे बाकी होता है तो वहाँ नेगेटिव यूज कर सकते हो है ना। कि मस्त शादी हो गया है, अब पति पत्नी बैठे मस्त बात कर रहे हैं, अरे हम लोग मस्त वहाँ जाया करते थे, कितना अच्छा दिन था, जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत सारा बाटी खेलता था। हाँ पत्नी बोलती हाँ अरे हाँ मैं भी खेला हूँ बहुत सारा, ऐसे से बात करते ना। हाँ खेलिए खेलो वही खेलते थे। तो जब ऐसे बात करते ना तो बहुत सारे बचपन की बात बातें होती है, पुराने वाले बातें होती है, जो हैबिट है जैसे राजी शादी वाले बात करते होंगे है ना। हाँ आप पति देव हाँ क्या करते थे क्या आपकी मम्मी बता रही थी ऐसे ऐसे बातचीत करते ना। तो पास की बातें जब मेमोरी को जब ताजा ताजा करते ना जी, तो उनका यूज करते हैं यूज टू का, कि पानी मेमोरी को ताजा याद करते हैं, अरे यार से क्या करते थे वो दिन भी क्या दिन थे ऐसे वाला। चलो तो यार आपका यूज टू का यूज क्या हो गया? यूज टू का यूज लिखोगे? यस तो लिख लो, माता मिटा दो मिटा दो ना फटाफट लिखो जी। I used to play, used to verb लगाना, क्यों कभी?
तो करते थे वो काम के लिख देना, सिंपल सी बात है। चाहता वीडियो दे सकते हो प्रतिभा का, प्रतिभा मैडम का, मैडम लगेंगे यहाँ पर। चलो आगे बताओ, आगे नीड कब दो? हाँ बिल्कुल बताओ नीड। उसके बाद है नीड, जब किसी चीज की जरूरत हो, हमें आवश्यकता हो, है ना, तो हम लोग बताने के लिए किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे। जैसे कि कुछ वर्ब का जरूरत है, जैसे कुछ क्रिया करने की जरूरत है, जैसे मुझे पढ़ने की जरूरत है, आवश्यकता है मुझे पढ़ने की, है ना, तो मैं क्या बनाऊंगी? आई नीड टू रीड, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। और कुछ बता सकती हूँ, जैसे कि मुझे बर्तन धोने की आवश्यकता है, मान के चलो ऐसा बोल सकती हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी? आई नीड टू वॉश यूटेंसिल्स, डब्ल्यू वॉश यूटेंसिल्स। सिया था कि ऐसा था? मैं तो पूछ रहा हूँ जी। आई एम कन्फ्यूज्ड। चल आगे बता, बता बता। ओके इसका, अब यदि हम लोग को किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे कि पैसे की जब बहुत जरूरत पड़ती है ना, तो पैसे की जरूरत है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसका? आई नीड मनी, ऐसे बोलेंगे। जब हम किसी वस्तु का यूज करेंगे तो हम लोग टू नहीं लगाएंगे, और जब हम लोग किसी क्रिया के बारे में बोलेंगे कि मुझे ये करने की जरूरत है, ये करने की आवश्यकता है, तो हम टू लगाएंगे। तो ये है आपका नीड। क्या है भाई? नीड। यहाँ पर दो यूज बताया गया है, एक तो है वर्ब के साथ जहाँ पर टू आएगा, और एक है थिंग के साथ, वस्तु के साथ। ये वस्तु, तो जब वस्तु लगाओगे इसका मतलब होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत। तो जब ये आपको जरूरत है किसी भी काम करने की, तो लगाओगे इन्फिनिटिव। क्या लगाओगे? इन्फिनिटिव, है ना। जैसे कि आई नीड टू रीड, आपके एग्जाम आ गया, आपको पढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू रीड, तुमको पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर पैसे की जरूरत है तो यू नीड मनी, टू नहीं आएगा, तो वर्ब के साथ ये आएगा, ध्यान रखना। तो ये है आई नीड मनी, ठीक है? Yes. चलो आगे बढ़ो जी। ओके रख करो। हाँ बिल्कुल रख करो। नेगेटिव बन जाएगा ना? नेगेटिव बनेगा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। डू नॉट से बनेगा, और सिंगल सब्जेक्ट तो डजंट से, डज नॉट से। आई डोंट नीड, जिसके का मतलब आई डोंट नीड टू रीड। टू रीड, एग्जाम हो गया, आप मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया से। आई डोंट नीड मनी, एक्सप्लेन करो, अच्छा करो। ओके अब जैसे पैसे की भी जरूरत नहीं है एकदम ज्यादा, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि आई डोंट नीड मनी। समझ आ गया? यस। ये डजन से ले लो। ओके अब मैं किसी सिंगुलर के लिए बात कर रही हूँ, है ना, तो ही नीड्स फ्रेंड, उसे दोस्तों की जरूरत है। अब उसे दोस्तों की जरूरत नहीं है ना, अब उसके पास काफी दोस्त हैं, तो वो क्या बोलेगा? हम उसके लिए क्या बोलेंगे? ही डजंट, डज नॉट, इसको डजंट लिखते हैं, नीड फ्रेंड्स, उसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान रखना, ये सब क्या है? डू डज का पार्ट है। किसका पार्ट है? डू डज का पार्ट है, ठीक है। ही एक साथ आ जाएगा, एज यस वहां बताया था, सिंगुलर या सिंगुलर वर्ब आता है, तो ही नीड्स फ्रेंड्स, उसके दोस्तों की जरूरत है। तकलीफ में बेचारा, घर में शादी हो रहा है, कोई काम करने के लिए, कोई सहायता करने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त है, दोस्त कहाँ गया? उनको दोस्त की जरूरत है, बुलाओ उसको, ऐसे, ठीक है। आप साफ सफाई का काम पूरा हो गया, चारों का नौकर बुला लिए, आप दोस्त लोग आते हैं, बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, सब काम रहता है, फिर आते हैं बाद में दोस्त लोग, हाँ भाई क्या काम करना होता है, अब जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो, पांच नौकर बुला लिया हूँ, ऐसा काज बोलता है शादी के लिए। तो ही डज नॉट नीड फ्रेंड्स, उन्हें दोस्तों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका नीड, नीड का। अब हम लोग पढ़ेंगे वन टू, बता दो कि डेयर को, डेयर था, डेयर। ओके डेयर, चलिए आप देखो डेयर का पार्ट भाई। डेयर मतलब क्या होता है? साहस करना या हिम्मत, साहस करना या फिर हिम्मत करना, है ना।
इसका दो तरीके से यूज होता है, एक तो मेन वर्ब की तरह भी और एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी, है ना भैया? तो पहले मैं मेन वर्ब की तरह बता देती हूँ, जैसे कि आई से चालू करूँ क्या? आई से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रस्टर यूज किया अपन ने, रस्टर का I dare to go. मैं जाने की साहस करती हूँ। तो कभी क्रिया लोगे बॉब लोगे तो आप फिर से इनफिनिटी आएगा एज आ जो बता रहे पिछले बार उनके लिए, लेकिन इसको भी इनफिनिटी हटा सकते फिलहाल। आई डेयर गो, ठीक है, आई डेयर गो, मैं जाने की साहस करती हूँ। अगर मैं बना रही हूँ वह कुछ काम करने का साहस करता है, जैसे कि, है ना, तो ही डेयर्स टू लगा दो, नहीं जरूरत नहीं है लगा तो चल, दोनों में जरूरत है। देखो अगर डेयर्स लगाओगे, देखो एक है दोनों सही हो, देखो आई डेयर गो मैं जाने का साहस करता हूँ एंड आई डेयर टू गो दोनों सही हैं, बट मैं क्या था मॉडल में अगर मॉडल लोगे तो मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगा वर्ब आएगा, तो यह मॉडल और आई डेयर टू गो, अब डेयर के बाद वर्ब नहीं आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये डायरेक्ट यूज हो गया डेयर का, तो ऐसा वर्ब हो गया और ऐसा मॉडल हो गया, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। जैसे कि नीड की बताए ना, तो नीड गो भी कर सकते हो, जैसे कि आई नीड गो, आई नीड गो मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो मुझे जाने की जरूरत है, दोनों सही है, दोनों क्या है सही है। ये है मॉडल का है का पहचान की हमेशा मॉडल बाद वर्ब आता है और इसमें डायरेक्ट वर्ब नहीं आया है, तो ये एज अ मेन वर्ब है और ये एज अ हमारा मॉडल है, ठीक है। चलो आगे बताओ, ये आपको होगा डेयर, साहस करने के लिए यूज करेंगे डेयर यूज करेंगे, ठीक है, यस ओके रफ कर दो। हाँ, इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग बोलते नहीं हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये बोलने के लिए हाउ डेयर यू ऐसे करके, तो हम लोग उसका भी बनाते हैं इससे, है ना, हाउ डेयर यू। हाँ, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, उसके मैं टू लगा के बताऊँ कि टू ओके या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसी भी चीज़ के लिए बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो करने के लिए, ऐसा। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डेयर का यूज़ किए और कैसे किए, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर। तो ये था आपका सही मॉडल, तो तीन टू होता है, तो यूज्ड होता है, नीड होता है, डेयर होता है, है ना। चलो भाई बहुत अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस की पढ़ाई बहुत अच्छा है, अब सुन डाला बहुत अच्छा किया।